नमस्कार एनसीआर गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है क्लास सेवन की साइंस का चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आइए इसे देखें इन क्लास यू दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास में हमने देखा है कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है एसेंशियल है यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेट्स ऑफ फूड सिक्स में हमने यह भी जाना है कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वॉट आर कम्पोनेट्स ऑफ फूड तो आप इन पांच चीजों का नाम लिख सकते हैं दीज कम्पोनेट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड और इन्हीं ऑफ फूड को हम न्यूट्रिय भी कहते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी और ये न्यूट्रिय हमारे शरीर के लिए जरूरी है नेसेसरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंथेसाइज करना मतलब बनाना प्रिपेयर करना तो पौधे तो अपना खाना बना सकते हैं लेकिन जो एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बींग्स खाना अपना खुद नहीं बना सकते दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो अपना खाना नहीं बना सकते वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए या फिर दूसरे ऐसे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए इसे इस तरह समझें कि जो एनिमल अपना खाना ख़ुद नहीं बना सकता है वो प्लांट के द्वारा बनाए गए खानों को खाएगा या फिर ऐसे एनिमल्स को खाएगा जो प्लांट के द्वारा बनाए हुए खाने को खाए हुए हैं दस ह्यूम एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इसीलिए एनिमल्स जो भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हम आदमियों को भी मिलाकर सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए अभी बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड अब बूझो जानना चाहता है कि पौधे प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं तो आइए इसके बारे में जानते हैं 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट प्लांट्स में खाना बनाने के क्या क्या तरीके हैं प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्वस बाई यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स प्लांट अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं अकेले ऐसे जीव हैं जो अपना खाना अपने लिए खुद बना सकते हैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके तो वाटर का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और मिनरल्स का इस्तेमाल करके द रॉ मटेरियल्स आर प्रजेंट इन देयर सराउंडिंग्स तो ये तीन जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट के खाना बनाने के लिए वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स ये तीनों प्लांट की सराउंडिंग में प्लांट के आसपास मौजूद होते हैं प्रजेंट होते हैं द न्यूट्रियट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्टस ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू करीआउट लाइफ प्रोसेस तो हमने ऊपर देखा कि खाना खाने से फूड कंज्यूम करने से हमें न्यूट्रियट्स मिलते हैं तो ये न्यूट्रियट्स हमें किन चीज़ों में हेल्प करते हैं तो ये न्यूट्रियट्स हमारी बॉडी को बनाने में हमें बड़ा करने में अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है उसे रिपेयर करने में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में ये न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन क्या है तो आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन वो तरीका है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म कोई जीव खाना खाता है अपने शरीर के अंदर फूड को लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया और उसकी बॉडी ने उस फूड को यूटिलाइज किया यही न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है हम बड़े होते हैं हमारे टूटे फूटे अंग जो हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है अपने जीवन के कामों को करने के लिए अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड देम सेल्व फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन का वह तरीका जिससे एक ऑर्गेनिज्म एक जीव अपने लिए खाना खुद बनाता है कुछ साधारण सामानों का इस्तेमाल करके उस तरीके को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं ऑटोट्रॉपिक शब्द दो शब्दों से बना है एक है ऑटो दूसरा है ट्रोफोस ऑटो का मतलब होता है खुद सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट पोषण मतलब अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था खुद करना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो ऐसा न्यूट्रिशन कौन करते हैं ऐसे न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था वो खुद करते हैं इसलिए वे ऑटोट्रॉपिक हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है देयर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स जानवर और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वे प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंडेंट होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेट्रॉप्स कहते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है ये भी दो शब्दों से बना है हेटरो और ट्रोफोस हेटरो मतलब अदर और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट तो जो नरिशमेंट दूसरे लोगों से लेते हैं उन्हें हम हेटेट्रॉप्स कहेंगे और उस तरह के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू अब पहली जानना चाहती है कि हमारा शरीर अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकता जिस तरह पौधे अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल्स का इस्तेमाल करके तो आइए इस सवाल का जवाब भी देखते हैं द फूड फैक्ट्रीज ऑफ लोकेटेड अब हमने ये प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम शायद ये भी जानना चाहेंगे कि plant अपना खाना खुद कहाँ बनाते हैं प्लांट की बॉडी में उनके लिए जो खाना बन रहा होता है वो कहाँ बनता है उनकी फूड फैक्ट्रीज कहाँ है वेदर फूड इज मेड इन ऑल parts ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टन parts? क्या प्लांट के पूरे शरीर में खाना बनता है प्लांट की पूरी बॉडी में खाना बनता है या फिर कुछ खास हिस्सों में ही खाना बनता है हाउ डू सराउंडिंग्स ये जो रॉ मटेरियल्स प्लांट को चाहिए वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स ये प्लांट अपने आसपास से कैसे ऑबटेन करते हैं कैसे प्राप्त करते हैं हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स और इन रॉ मटेरियल्स को ऑबटेन करने के बाद प्लांट इन रॉ मटेरियल को अपनी फूड फैक्ट्रीज तक किस तरह पहुंचाते हैं तो आइए इसके बारे में जानते हैं सेक्शन 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे फोटोसिंथेसिस वो तरीका है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स तो ऊपर पूछा गया था कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं तो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज लीव्स में होती है पत्तों में होती है देआर फोर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव तो जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए ये सारे फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचने चाहिए मतलब सारा रॉ मटेरियल पत्तों तक पहुंचना चाहिए वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द दॉयल आर ऑब्जर्वड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स मिट्टी के अंदर पानी और मिनरल्स मौजूद होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट की जड़ों के द्वारा रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं सोख लिए जाते हैं और फिर इन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पत्तों तक पहुंचाया जाता है तो हमें सॉयल से वाटर और मिनरल्स तो मिल गए ये वाटर और ये मिनरल मिल गया अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है हवा से आता है थ्रो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स और ये एयर जो प्लांट की बॉडी में एंटर होता है ये भी लीव्स के थ्रू ही एंटर होता है प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे होके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में एंटर करता है ये सेक्शन खत्म करके हम इस बॉक्स को देखेंगे दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स तो ये पोर्स जिनसे होके प्लांट के पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है ये पोर्स गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं सराउंडेड होते हैं चारों तरफ से घिरे होते हैं सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा इन पोर्स को इन छेदों को स्टोमाटा कहा जाता है फिगर 1.2c। अगर आप स्टोमाटा को देखना चाहें तो यह फिगर 1.2c। स्टोमाटा की फिगर है जिसमें आप देखेंगे ये गार्ड सेल्स से हैं ये वाले और ये वाले और ये वो पोर है जिसके थ्रू होके एयर अंदर एंटर करता है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाई द वेल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट द स्टेम द ब्रांचेज एंड द लीव्स अब हमने जाना कि पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड लीव के द्वारा ही एब्जॉर्व किया जाता है तो उसे ट्रांसपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वाटर और मिनरल्स प्लांट में जड़ों के द्वारा एबजॉर्व किया जाता है तो उन वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है लीव्स तक तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम वेसल्स के द्वारा होता है जो कि प्लांट की पूरी बॉडी में लगे होते हैं पूरी बॉडी में रन करते हैं उनके स्टेम से होके उनके लीव्स तक ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे होके वाटर और मिनरल्स प्लांट की जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुंचता है दे फॉर्म अ अंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिय टू रीच द लीव ये वेसल एक रास्ता बनाते हैं जिससे न्यूट्रिय लीफ तक पत्ते तक पहुंच पाता है दे आर कॉल्ड वेसल्स और इन रास्तों को वेसल्स कहते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस प्लांट को देखें तो प्लांट ने सॉयल से वाटर और मिनरल लिया है ये वाटर और मिनरल इस पाइप की तरह के स्ट्रक्चर से ऊपर को ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली लीफ तक पहुंचेगा लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखा है और सनलाइट के प्रेजेंस में ये तीनों चीजें मिलेंगी तो लीफ खाना बनाएगा यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 में हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है इसके बारे में और पढ़ेंगे पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट पहली जानना चाहती है कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि वे खाना बना सकते हैं और पौधे के दूसरे पार्ट्स खाना नहीं बना सकते तो आइए इसके बारे में देखेंगे इससे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं इसमें सेल के बारे में बताया गया है यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स आपने देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड सेल्स तो जिस तरह बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है उसी तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनती है इसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रिक समझिए माइक्रोस्कोप इन सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं द सेल इज इनक्लोज by अ थिन आउटर boundary कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन ये सेल एक पतली बाउंड्री से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस जितने भी सेल्स हैं उन सभी में उनकी बॉडी के सेंटर में एक डार्क तरह की चीज आपको दिखेगी जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये मोस्टली स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है गोलाकार होता है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाजम इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली की तरह का सब्सटेंस होता है ये येलो वाला जिसे हम साइटोप्लाजम कहते हैं तो सेल के बारे में हमने तीन टर्मिनोलॉजीज देखी एक न्यूक्लियस जो सेल के बीचों बीच लोकेटेड होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है और ये न्यूक्लियस फेरिकल इनसे होता है गोलाकार होता है सेल के चारों तरफ एक जलीला एक सबस्टेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेल एक थिन मेम्ब्रेन से घिरा होता है थिन बाउंड्री से घिरा होता है जिसे हम सेल कहते हैं आइए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं द लीवस है तो इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि केवल वही खाना बना सकते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स खाना नहीं बना सकते तो पत्तों में ये खास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट ये क्लोरोफिल पत्तों को मदद करता है ताकि पत्ते सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सके पकड़ सके दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर की गई सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लांट के लीव्स में फूड बनाया जाता है सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर होना तो खाना जो बनता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटो सिंथेसिस कहते हैं फोटो सिंथेसिस भी दो शब्दों से बना है फोटो और सिंथेसिस फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना या फिर कंबाइन करना जोड़ना सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को स्टडी करने के बाद हमने ये पाया कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को होने के लिए प्लांट के क्लोरोफिल का होना जरूरी है ताकि वे सनलाइट को कैप्चर कर सकें जिसकी एनर्जी को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा खाने को बनाने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है ताकि एनर्जी पत्तों तक पहुंच सके कार्बन डाइऑक्साइड

द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए जो एनर्जी का सोर्स है ऊर्जा का स्रोत है 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 वो सन सन ही ही सारी एनर्जी सन से ही आती कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द ऑफ अगर धरती पे फोटो नहीं हो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाए तो क्या आप इस धरती पे जीवन के बारे में सोच सकते हैं तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो धरती पे कोई जीवन नहीं होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सारे नहीं होंगे इस धरती पे। इन द एबसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे पास कोई खाना नहीं होगा द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे ही डिपेंड करते हैं बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड के अलावे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही रिलीज होता है। अगर नहीं हो, तो धरती पे जीवन असंभव है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के समय पत्ते जिनमें क्लोरोफिल होता है वे सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में भी आप इतनी चीज लिख सकते हैं द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन इस तरह के एक इक्वेशन से इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये इक्वेशन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर को जब हम जोड़ते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तब हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है इक्वेशन के लेफ्ट में हमेशा वो चीजें लिखी जाती हैं, जो चीजें प्रोवाइडेड हों और एरो के ऊपर वे चीजें लिखी जाती हैं जिनके प्रेजेंस में चीज हो रही होती है और जो आउटपुट होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है यहाँ जगह की कमी के कारण इसे नीचे लिखा गया है फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में अगर आप ये डायग्राम भी बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा इसमें दिखाया भी वही गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ऑक्सीजन छोड़ रहा है और रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है डायग्राम सोइंग फोटो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटो सिंथेसिस स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट पत्ते में स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें यह पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस पत्ते में हुआ है भूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड वायोलेट और ब्राउन लीव्स। बूझो ने कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे हैं जिसके पत्ते रेड वायलेट या ब्राउन थे ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटो सिंथेसिस बूझो जानना चाहता है कि क्या जो पत्ते हरे नहीं हैं लाल ब्राउन या वायलेट कलर के हैं क्या वे भी फोटो करते हैं तो आंसर है कि हाँ करते हैं आइए हम आगे इन एक्टिविटीज में देखेंगे कि वे कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं एक्टिविटी 1.1 टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 टू आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट एक ही तरह के दो गमले वाले पौधे लीजिए एक को अंधेरे में या फिर एक काले बक्से में रखिए 72 टू आवर्स के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखिए धूप में रखिए परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास सिक्स क्लास सिक्स में हमने जिस तरह आयोडीन टेस्ट किया था इन दो पौधों के पत्तों के साथ वही आयोडीन टेस्ट करना है आयोडीन टेस्ट में हम उसके पत्तों पर आयोडीन की ड्रॉप्स गिराते थे तो वैसा यहाँ भी करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे अपनी नोटबुक में नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर थ्री टू फोर डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स जिस पॉटेड प्लांट को डार्क में रखा गया था उसे तीन चार दिन के लिए सनलाइट में रखेंगे और फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अब की बार जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला है उसे भी अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल इस टेस्ट को परफॉर्म करके हमें यह पता चलेगा कि वे पौधे जो हरे नहीं होते उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर जो पत्ते लाल या दूसरे रंग के होते हैं उनमें जो दूसरा रंग है वो भारी पड़ता है और हरे रंग को मास्क कर देता है छुपा देता है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो तो जो पत्ते हरे रंग के नहीं है जो कलर्ड लीव्स हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है यू सी स्ली ग्रीन पैच इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज हमें तालाब में या फिर ऐसे पानी में जो रुका हुआ है हरे हरे धब्बे दिखाई देते हैं दीज आर जनरली फॉर्मड बाई द ग्रोथ ऑफ कॉल्ड ऑर्गेनिज्मी ये हरे धब्बे एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कारण फॉर्म होते हैं जिसका नाम एलगी है कैन यू गेस वाई एलगी आर ग्रीन इन कलर क्या आप सोच सकते हैं कि ये एलगी हरा क्यों दिखता है दे कंटेन क्लोरोफिल विच देम द ग्रीन कलर इस एलगी में क्लोरोफिल होता है जिस कारण ये हरा दिखता है ग्रीन कलर का दिखता है एलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड फूड बाय फोटोसिंथेसिस एलगी भी अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावे जो दूसरे फूड हैं उसको कैसे सिंथेसाइज करता है कैसे बनाता है उसके बारे में यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने अभी अभी देखा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों से बना होता है पहला कार्बन दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन दीज आर टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट भी इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्ज

रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर हमारे एयर में नाइट्रोजन का बहुत सारा प्रेजेंस है बहुत सारा नाइट्रोजन है हमारे एयर में हाव एवर प्लांट्स नॉट एब्सॉर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म बहुत सारे नाइट्रोजन के एयर में मौजूद होने के बावजूद भी प्लांट्स नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट को नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है घुले हुए फॉर्म में चाहिए होता है वे एयर से केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं Soil had certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको सोलबल फॉर्म में यूजेबल फॉर्म में जिसे यूज किया जा सके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं मिट्टी में रिलीज कर देते हैं दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर और यही वो नाइट्रोजन है जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो साथ साथ ये सोल्यूबल नाइट्रोजन भी घुला हुआ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द आपने देखा होगा कि किसान मिट्टी में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जो नाइट्रोजन में रिच होते हैं सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए वे इस तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट और प्लांट्स इस तरह से अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं बाकी चीजों के साथ साथ एयर वाटर सनलाइट इन सभी चीजों के साथ साथ नाइट्रोजन भी उन्हें से ही मिलता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स प्लांट्स में न्यूट्रिशन के और क्या तरीके हैं उसके बारे में जानेंगे एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है और खुद ही उसे कंज्यूम करता है और स्टोर करके भी रखता है इसके अलावे प्लांट्स को भोजन मिलने के और क्या तरीके हैं इसके बारे में देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है जरूरी नहीं है कि ये लाल या ब्राउन पत्ते वाले प्लांट हो लाल और ब्राउन पत्ते वाले प्लांट्स में क्लोरोफिल हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें वास्तव में क्लोरोफिल नहीं होता दे सिंथेसाइज फूड तो वैसे प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं हाउ डू दे सरवाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन तो उस तरह के पौधे किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं और उन्हें उनका भोजन उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स तो जिस तरह जानवर और ह्यूमन बींग्स दूसरे ऐसे पौधों पर डिपेंडेंट हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वे पौधे भी जो खाना नहीं बना पाते उन्हीं खाना बनाने वाले पौधों पर फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधों पर ही डिपेंड हो जाते हैं दे यूज द हेटेट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें भी हेट्रोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का वे भी दूसरे प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं लुकेट फिगर वन पॉइंट फाइव फिगर वन पॉइंट फाइव हमें नीचे मिलेगा ये वाला फिगर ये एक बड़ा सा प्लांट है और इस पे जो पीले पीले आपको पैचेस दिख रहे हैं ये एक हेटरोट्रॉपिक प्लांट है जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता और ये इस ग्रीन वाले प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इसमें आपको घुमावदार जाली नुमा पीले कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इस पेड़ के स्टेम से लीव्स तक फैला हुआ है दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कॉल्डा या फिर इसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल इस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता अब चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग ये उस प्लांट से अपना फूड डिराइव करता है जिसपे ये चढ़ता है क्लाइंब करता है द प्लांट उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं तो यहाँ जो ये ग्रीन कलर्ड प्लांट है वो होस्ट प्लांट है और ये जो येलो वाली चीजें हैं वे गेस्ट है सिंस इट डिप्राइब्स द होस्ट ऑफ वेल्यूएबल न्यूट्रिय पैरासाइट जिस प्लांट पे कैसकटा क्लाइंब करता है वह उसके न्यूट्रिएंट्स को चूसता है डिप्राइव करता है उसे कम करता है इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं जैसे कि मच्छर एक पैरासाइट है जो हमारी शरीर से खून चूसता है उसी तरह ये कैसकटा दूसरे ट्री से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट क्या हम और जो दूसरे एनिमल हैं वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं आप इसके बारे में सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्क्यूटो बेडब लाइस एंड लीचे दैट स कार ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट पहली जानना चाहती है की क्या ये जो कीड़े हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं हमारा खून चूसते हैं क्या वे भी पैरासाइट है तो हाँ ये पैरासाइट हैं। क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि जानवरों को खाते हों? देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दम कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि कीड़ों को पकड़ सकते हैं और उन्हें पचा सकते हैं इज इट नॉट अमेजिंग तो क्या यह गजब नहीं है कि प्लांट्स इंसेक्ट को पकड़ के उन्हें डाइजेस्ट कर सकें सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर ये प्लांट्स हरे भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे रंग के भी हो सकते हैं लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 पॉइंट सिक्स ये प्लांट है फिगर 1.6 में इसे पिचर प्लांट कहते हैं द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ तो इस प्लांट में जो जग की तरह बना हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये पत्ते का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है पत्ता ही बदलते बदलते इस जग की तरह का आकार ले लेता है पहले ये लीफ की तरह होता है फिर धीरे धीरे ये एक जग की तरह बन जाता है ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड तो इस लिफ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो एक ढक्कन बनाता है कि अगर इस जग रूपी स्ट्रक्चर में कोई इंसेक्ट एंटर करे तो ये ढक्कन बंद हो जाए और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप्ड रह जाए फंसा रह जाए विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर तो ये ढक्कन इस पिक्चर का इस जग का मुंह खोल या बंद कर सकता है इनसाइड साइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स इस पिक्चर के अंदर कुछ बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं वेन एन इंसेक्ट लैंड इन दिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इन टू द हेयर जब कीड़ा इस पिक्चर में एंटर करता है तो उस पिक्चर का ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाल की तरह का स्ट्रक्चर कीड़े को ट्रैप करने में पकड़ने में हेल्प करता है द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई द डाइजेस्टिव जूसेसिक्ड इट न्यूट्रिय आर एब्जॉर्ब कीड़ा जब पिक्चर में फंस जाता है जगलाइक स्ट्रक्चर -like में फंस जाता है तो उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं ऐसे जूस जो फूड को पचाने के काम आते हैं वे कीड़े को डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो न्यूट्रिय निकलता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट तो इस तरह के जो कीड़ों को खाने वाले पौधे हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते होंज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिय फ्रॉम द साइल इन विच दे ग्रो तो क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें मिट्टी से पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता होगा इसलिए वो कीड़ों को खाकर अपने न्यूट्रिशन की भरपाई करते होंगे तो हाँ ये संभव है और यह सही भी है बूझो इज कंफ्यूज इफ द दिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट देन इट फीड ऑन इंसेक्ट्स सोच रहा है कि अगर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस भी करता है तो उसे कीड़ों को पकड़ के खाने की क्या जरूरत है तो बात ऐसी है की फोटोसिंथेसिस से इस प्लांट की पूरी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरा फूड रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता इसलिए इसे कीड़े पकड़ के खाने होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके तो ये था इंसेक्टिव और प्लांट्स के बारे में अगला है सेक्शन 1.4 सेपरोट्रॉप्स सेपरोट्रॉप्स ऐसे पौधों को कहते हैं ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो सड़े गले चीजों पे पैदा होते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं तो आइए इनके बारे में देखें यू माइट द वेजिटेबल मार्केट आपने सब्जी के बाजार में मशरूम के पैकेट्स बिकते देखे होंगे कुछ इस तरह के यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉयल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन बरसात के समय में सड़ी लकड़ी पर या भीगी मिट्टी पर आपको छत्ते की तरह का एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई देता होगा लेटस फाइंड आउट वट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सरवाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम आइए जानते हैं कि इस तरह के पौधे जो मशरूम है वे अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाते हैं और कैसे सर्वाइव कर पाते हैं बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिय बूझो जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो सड़ती हुई लकड़ी पे पैदा होते हैं उन्हें न्यूट्रियट्स कहाँ से मिलता है दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू उनके पास मुंह भी नहीं होते जैसे जानवरों के होते हैं दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लाइक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसेंथेसिस ये ग्रीन भी नहीं होते उजले कलर के होते हैं सो मोस्ट प्रोबेबली इनके पास क्लोरोफिल नहीं है और ये फोटोसिथेसिस करके अपना खाना खुद नहीं बना सकते इनके पास माउथ भी नहीं है एनिमल्स के जैसे तो इनका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है एक्टिविटी वन पॉइंट टू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉशन इट विथ वॉटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और इसे पानी से भिगो दीजिए लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर टू टू थ्री डेज और अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन दम ब्रेड को भिगोकर एक गर्म जगह पे उसे दो तीन दिन के लिए छोड़ दीजिए दो तीन दिन बाद आपको उस उसपे कुछ धब्बे दिखाई देंगे वट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस तो इन धब्बों का रंग क्या है ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन धब्बों को एक माइक्रोस्कोप या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कीजिए राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक आपने जो भी देखा उसे अपनी कॉपी में लिखिए यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड जब आप इसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा की रुई के धागों की तरह की कोई चीज पूरे ब्रेड पे बिखरी हुई है कुछ इस तरह से

न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए या सड़ रहे से, सड़ रहे से से रही चीज से अपना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एक्वायर करता है, लेता है, लेता है, उस, को हम कहते हैं। और उस तरह के सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं। उस प्रजाति को कहते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम फंगाई इन चीजों पे भी ग्रो कर सकता है अचार पे लेदर पे कपड़ों पे अगर इन्हें गर्म और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाए पानी वाले वेदर में छोड़ दिया जाए तो वहाँ फंगाई ग्रो कर जाएगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स बरसात के मौसम में ये फंगाई बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंगाई ने आपके घर में क्या उत्पात मचाया है फंगाई से आपको क्या तकलीफ होती है अपने पेरेंट्स से पूछिए द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रजेंट इन द एयर स्पोर्स बीज को कहते हैं तो फंगाई पैदा करने वाले जो स्पोर्स हैं जो ऐसे बीज की तरह की चीज हैं जो फंगाई जनरेट कर सकते हैं फंगाई को पैदा करते हैं वे हवा में होते हैं जब उन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मिलता है तो वे ऑटोमेटिकली वहां लैंड करते हैं और वहां पे फंगाई ग्रो कर जाता है तो वही बात की द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर दे ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब उन्हें कंडीशन मिलता है भीगी और गर्म चीज मिलती है वहां पे वे स्पोर्स वे बीज वहाँ पे लैंड कर जाते हैं और वहाँ फंगाई ग्रो कर जाता है नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड क्या अब आप सोच सकते हैं कि हम अपनी चीजों को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं इस फंगाई से सम ऑर्गेनिजम्स लिव टूगेदर एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म साथ-साथ रहते हैं ये घर भी शेयर करते हैं जहां वे रहते हैं उस चीज को सेल्टर कहते हैं तो दोनों ऑर्गेनिजम्स अपना घर भी शेयर करते हैं और जो खाना है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी शेयर करते हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस जब दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हो तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहेंगे फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगाई लिव इन साइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स कुछ ऐसी भी फंगाइज हैं जो पेड़ के जड़ों में रहती हैं द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिय टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिय पौधे की जड़ में जब फंगाई होता है तो पौधा उसे न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है और फंगस पौधे को वॉटर प्रोवाइड करता है तो इस रिलेशनशिप से दोनों को फायदा होता है प्लांट को वाटर मिल जाता है फंगाई को फूड मिल जाता है ऐसे ही एक रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहेंगे इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड alga singular होता है और एल्गी प्लुरल है उसी तरह फंगस सिंगुलर है और फंगाई प्लूरल है बहुत सारे फंगस को मिला के फंगाई बनेगा और बहुत सारे एल्गा को मिला के एल्गी बनेगा तो एक एल्गा जिसका नाम लाइचनस है इसके पास क्लोरोफिल होता है और इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशन है सिम्बायोसिस वाला रिलेशन है एक फंगस के साथ ये दोनों साथ में रहते हैं द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एलगा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस जो फंगस है वो एल्गा को घर देता है शेल्टर देता है पानी देता है और मिनरल्स भी देता है जिसे यूज करके एल्गा फूड बनाता है और वो फूड फंगस को भी शेयर करता है तो लाइचेंस का फंगस के साथ ये जो रिलेशनशिप है इसे हम सिम्बायोसिस वाला रिलेशन कहेंगे या फिर इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं अगला है सेक्शन 1.5 पॉइंट फाइव हाउ न्यूट्रिय आर रिप्लेनिस्ड इन दॉयल रिप्लेनिस्ड का मतलब वापस आना तो पौधे हमेशा से न्यूट्रिय खींच रहे होते हैं मिनरल्स वाटर ले रहे होते हैं लगातार तो ये सॉइल में वापस कैसे आता है रिप्लेनिस्ड कैसे होता है इसके बारे में हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दम इन लॉन्स और इन पॉट्स अपने किसानों को देखा होगा खेत में खाद छीटते हुए फर्टिलाइजर स्प्रेड करते हुए या फिर गार्डनर्स को देखा होगा बगीचे में या फिर लॉन में या गमलों में खाद डालते हुए डू यू नो वाई दिस इज डन क्या आपको पता है कि ये क्यों किया जाता है यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल हमने जाना है कि प्लांट मिनरल्स वे वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग तो मिनरल्स का जो अमाउंट है सॉइल में वो लगातार घटता जाता है फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में डाले जाते हैं उसमें ये नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस होता है दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच दॉय इन न्यूट्रिय को समय समय पर मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी को फिर से एनरिच किया जा सके फिर से मिनरल भरा जा सके मिट्टी में वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट हम पौधे उगा सकते हैं और उन्हें हेल्दी भी रख सकते हैं अगर हम उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहें तो

हालांकि हवा में नाइट्रोजन गैस बहुत सारा प्रेजेंट है लेकिन पौधे जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस तरह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है वे इसे मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए मिट्टी को नाइट्रोजन रिच बनाना जरूरी है इसीलिए फार्मर्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म पौधों को नाइट्रोजन घुले हुए फॉर्म में चाहिए सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए द बैक्टेरियम

उसे फॉर्म में में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देता है। लेकिन राइजोबियम के साथ दिक्कत क्या है कि राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड राइजोबियम चूंकि बैक्टीरिया है इसलिए वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन यह राइजोबियम बैक्टीरिया फली वाले पौधों के जड़ों में पाया जाता है जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं उनकी जड़ों में यह बैक्टीरिया पाया जाता है यह बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता इसलिए उन प्लांट्स पे डिपेंड होता है फूड के लिए और इन टर्न बदले में उन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और आप ये बात जानते होंगे कि ये चना मटर मूंग इन सब में नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट होता है इन टर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन के बदले प्लांट उस राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है रहने के लिए घर देता है और खाना देता है दे दस हैव अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स में और राइजोबियम बैक्टीरिया में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों एक साथ रहते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर राइजोबियम बैक्टीरिया का और इन लेग्यूमिन प्लांट का ये जो एसोसिएशन है ये जो रिलेशनशिप है ये किसानों के लिए बड़े महत्व का है बड़ा सिग्निफिकेंट है दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्युमिनस प्लांट्स आर ग्रोन जहाँ पे इस तरह के लेग्युमिनस प्लांट्स

पाए जाते हैं जिनमें यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स इस चैप्टर में हमने सीखा कि ज्यादातर जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर और कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर सड़े गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स पारासीटिक और सेपरो प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑबटेन करते हैं ऑल एनिमल्स Are categorized as heterotropic. सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड जितने भी जानवर हैं उन सभी को हेटेट्रॉपिक कहा, कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे और दूसरे जानवरों पर फूड के लिए खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं निर्भर होते हैं कैन वी से दैट इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेट्रॉप्स क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो आंशिक रूप से पार्शियली आधा हेटेट्रॉपिक है तो हाँ हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इंसेक्टिवरस प्लांट में क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती इसलिए उन्हें कीड़ों को पकड़ के इंसेक्ट्स को पकड़ के अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है इसलिए उन्हें हम पार्शियल हेटरोट्रॉप्स आंशिक रूप से हेटरोट्रॉप आधे हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं तो इसी के साथ खत्म होता है आपका पहला चैप्टर साइंस का मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे चैप्टर टू के साथ तब तक के लिए बाय बाय